पता नहीं कोरोना कितना बढ़ेगा, कब तक रहेगा, कोई नहीं कह सकता। अभी तक कोई दवा नहीं, वैक्सीन नहीं आई है। बोले कहते गर्व है कि राजस्थान देश में अग्रणी राज्य है जिसने जिसका लोहा पूरे देश से माना है, क्योंकि राजस्थान में रिकवरी रेट भी अच्छी रही, 80% ऊपर हो गई, मृत्यु दर भी कम रही, मैनेजमेंट भी अच्छा किया, और जो लोग तकलीफ पा रहे थे, मजदूर हो या किसान हो, सोशल सिक्योरिटी के माध्यम से हमने मजदूरों को BPL, स्टेट BPL, दिहाड़ी मजदूर, इन सब का ध्यान रखा, कैश काइंड में काफ़ी मदद करी, और लोग उसको लेकर संतुष्ट भी रहे, क्योंकि जीवन और जीविका बचाने का सवाल है। विकास रुके नहीं, इसलिए वित्त प्रबंधन करके हम चाहते हैं कि श्रमिकों को ही मजदूरी मिले, किसान को ऊपर का पूरा मूल्य मिले, उद्योग धंधे प्रारंभ हो, अर्थव्यवस्था पटरी पर आए, जिससे आम लोगों का जीवन सुचारू रूप से चल सके। इसके लिए हमने तमाम, आपने देखा होगा, आप गवाह हैं कि 4 महीने लगभग पहले से मैंने तमाम वर्गों को, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को, ये पहला राज्य देश में राजस्थान है जिसने विपक्षी पार्टियों को बुलाया, उनकी सलाह ली, लाइट लगा लो, और उसके अलावा जिस रूप में हम लोगों ने धर्म गुरुओं को बुलाया, डॉक्टर्स को बुलाया, एक्टिविस्ट को बुलाया, पर आम जनता का आह्वान किया, सब ने मिलकर के इस लड़ाई को शानदार तरीके से लड़ा है। दानदाताओं ने, भामाशाह ने पूरा साथ दिया, पर आपको मालूम है कि रेवेन्यू 30% पे आ गई है रेवेन्यू। हम चाहते विकास रुके नहीं, इसलिए पूरी कोशिश चल रही है कि किस प्रकार से पुनः इकोनॉमी वापस पटरी पर आए, काम धंधे शुरू हो, इंडस्ट्री शुरू हो, इस रूप में हम लोग पूरी तरह प्रयास कर रहे हैं। बिना वित्तीय प्रबंधन, बिना रेवेन्यू के हम लोग विकास नहीं कर पाएंगे, ये हमारे लिए चिंता का विषय बना हुआ है। और दिहाड़ी मजदूर है या गरीब आदमी है, उसके लिए तो 2 जून खाना मुश्किल होता है। ये तमाम चिंताओं के बीच में हम लोग कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं आप सबके सहयोग से। हालांकि हमने भारतीय जनता पार्टी नेताओं को विश्वास में लिया, उनसे मुलाकात भी करी, सब कुछ किया, बीच बीच में वो लोग कई तरह की टिप्पणी करते गए, तब भी हमने बुरा नहीं माना। इसलिए मैं चाहता था पूरे मुल्क में एक मैसेज आए कि राजस्थान सरकार पक्ष को, विपक्ष को, तमाम वर्गों को साथ लेकर चलना चाहती है, क्योंकि कोविड की लड़ाई कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये BJP के लोगों को समझना पड़ेगा, ये महामारी है। कोविड जब इफेक्ट करता है तो नहीं देखता कि कांग्रेस वाला है, BJP है, कौन सी जाति का, कौन से धर्म का है। इसलिए उस मर्म को समझ के मैंने राजनीति करी, सबको साथ लेके चल के कोरोना की जंग को लड़ने के लिए। दुर्भाग्य है कि इनके समझ में नहीं आ रही है, BJP वालों के, वो कोई ना कोई आरोप लगाते रहते हैं। तब भी मैंने, आपने देखा होगा, राष्ट्रीय मीडिया में मैंने जितने इंटरव्यू दिए या आपको दिए, मैंने कभी नहीं कहा इनके बारे में, मैंने हमेशा कहा कि नहीं, हम सब साथ मिल के कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं। परंतु BJP के नेताओं ने तो मानवता और इंसानियत की सारी हदें पार तोड़ दी है, क्योंकि एक तरफ तो हम जीवन और आजीविका बचाने में लगे हुए हैं और दूसरी तरफ ये लोग सरकार गिराने में लगे हुए हैं। मुझे एवं मेरे साथियों को, मेरे मंत्रिमंडल के साथी है, विधायक हैं, कांग्रेस के नेता हैं, सबको सरकार बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। हमारा ध्यान पूरी तरह कोरोना की जंग में होना चाहिए और उसी में हम लोग लगे हुए हैं। रोज हम रिव्यू मीटिंग करते हैं, VC करते हैं, पूरे राजस्थान के हर वर्ग से हमने VC करी है, और ये लोग सरकार कैसे घिरे, किस प्रकार से तोड़फोड़ करे,
खरीद फरोख्त करे, ये तमाम काम में लगे हुए हैं। मैंने देखा बीजेपी के नेताओं को, वैसे वाजपेयी जी भी प्राइम मिनिस्टर बने थे तब ऐसी बात नहीं थी, अब जो 14 के बाद देख रहा हूँ कि इतना अहम घमंड आ गया है, अहंकार है, ये खुल के सामने आ गए देश के सामने, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोकतंत्र की हत्या करने में लगे हुए हैं। फासिस्ट इनकी सोच है, विभिन्न प्रदेशों के अंदर आपने नमूने देखे होंगे किस प्रकार से इन्होंने, जब जब इनका मौका लगा, चाहे वो गोवा या मणिपुर हो, वहां पे सरकार ने बने दी कांग्रेस की। अरुणाचल प्रदेश में हमारे विधायकों की संख्या 62-60 में से सारे विधायकों को उन्होंने खरीद लिया और सरकार बदलवा दी वहां पर। एक तो एक्स चीफ मिनिस्टर को सुसाइड करना पड़ा इन लोगों के कारण से। उत्तराखंड में हम देखा होगा किस प्रकार से लालच देकर के बीच में ले आए गए लोगों को। और आज वहां उत्तराखंड में जो सरकार है, उन्हें 5 मंत्री जो है वो है जो कांग्रेस से गए वहां पर। और महाराष्ट्र में तो कमाल ही हो गया, जब सरकार बनी मेजोरिटी नहीं थी तब भी सुबह सुबह शपथ दिला दी गई, और मोदी जी ने भी सुबह 7 बजे शपथ लेती ट्वीट कर दिया बधाई का। और हमारे वो फर्नांडिस साहब, क्या नाम उनका, देवेंद्र देवेंद्र जी, उन्होंने जो है वापस ट्वीट किया, जवाब दिया मोदी है तो मुमकिन है। तो आप सोच सकते हो इस रूप में इन्होंने तमाम जो कर रहे थे इसके अंदर। कर्नाटक में भी ऐसे हुआ, मेजोरिटी नहीं थी, शपथ दिला दी येदियुरप्पा जी को, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वापस सरकार को इस्तीफा देना पड़ा, पर चूके नहीं वो लोग, वहाँ भी वापिस खरीद फूल करके सरकार बनाई गई। मध्य प्रदेश में सबको मालूम है किससे कहने क्या क्या हुए। इनकी सोच दर्शाती है जो कांग्रेस का 5 साल तक राधाकृष्ण विखे पाटिल नेता प्रतिपक्ष थे, वो 19 के अंदर चुनाव के 2 महीने पहले उनको शामिल करवा दिया बीजेपी के अंदर और मंत्री बना दिया, जो 5 साल विपक्ष का नेता रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ गुलाब सिंह कटारिया की ये सोचनी होगी।